सातवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा यानी कि फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जेपीएससी ने रिकॉर्ड समय में परीक्षा परिणाम घोषित कर कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने की कोशिश की है, लेकिन तमाम लोगों को पता है कि सातवीं जेपीएससी के साथ किस तरह से विवाद का नाता रहा है। पीटी रिजल्ट आने के बाद से ही छात्र कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे और करीबन 2 महीने तक उलबुलान रहा। माना यह जा रहा था कि जो क्रमवार तरीके से छात्र पास हुए हैं उनकी कॉपियों को दोबारा जांचने की जरूरत है। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से आने के बाद ये फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद मेंस की परीक्षा हुई और उसी बुनियाद पर फिर इंटरव्यू लिया गया और उसी बुनियाद पर फिर से ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक छात्र हैं रविंद्र कुमार, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं और जेपीएससी की मुख्य तौर पर परीक्षा की तैयारी करते हैं। इनसे मुलाकात हमारी तब हुई थी जब जेपीएससी को लेकर के सड़क पर जो हजारों की संख्या में छात्र थे, रविंद्र भी उनमें से एक थे। आज क्या इस बात के लेकर खुशी होनी चाहिए कि रिकॉर्ड समय में कम से कम जेपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रविंद्र कुमार भाई बोलना चाह रहा हूँ कि भले ही बोल रही सरकार की 7th और 10th जेपीएससी मतलब इतनी जल्दी में मतलब लगभग 251 दिन में वो क्लियर कर दिए, मगर इसमें क्या धांधली हुई वो लोगों को भी पता है और सरकार को भी पता है। ठीक है, मैक्सिमम सेट सीट यहाँ पे बिका हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग कुछ बोलना ज्यादा नहीं चाहते हैं। रविंद्र जी, इसका कुछ तो आधार होना चाहिए। जैसे हम ये आरोप लगा दें कि सीट बिकी हुई है, तो उसका कुछ प्रमाण तो देना होगा ना आपको? नहीं, प्रमाण तो दिख रहा है ना, सत्यानंद भोक्ता का लड़का देखिए। क्या जिस तरह से विवाद पीटी परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक रहा, उस बीच में कभी जेपीएससी ने कमिटमेंट दिखाया और रिजल्ट जारी कर दिया, तो इस बात के लिए तो श्रेय मिलना चाहिए ना कि आपने बहुत शॉर्ट पीरियड में जेपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया। ये अलग बात है कि विवाद रहित नहीं होकर ये परीक्षा रही। जब सरकार पर ऑलरेडी इतना ज्यादा दबाव था कि किसी तरह से उसको जेपीएससी को क्लियर करना ही था, चाहे धांधली हो या कुछ भी हो, क्या कि फर्स्ट ऑफ इतना कम सीट था, लगभग 252 सीट था। ठीक है, तो उसमें तो ये तो हम लोग कन्फर्म नहीं था, कम से कम 4 जेपीएससी एक साथ लेने का मतलब कम से कम 9000 सीट होना चाहिए। बट सरकार मतलब जल्दबाजी में की है और 252 सीट को क्लियर करने के लिए एक तौर पे कहा जाए कि एक मतलब जनरल का जो लड़का है उसका मतलब रिजल्ट आया है हमारा ओबीसी में, प्लस 7 मतलब पीएच सीट था। ठीक है, वो मतलब 7 को कम करके सिर्फ 3 को दिया गया है, तो इसमें मतलब क्या बोल सकते हैं सरकार को। आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है और तमाम छात्रों को बधाई दी है जिसने सातवीं जेपीएससी में परचम लहराया है। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से ये कहने की कोशिश की है कि ये जो सरकार है युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए सरकार है, सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कई परीक्षाओं खासकर जेपीएससी की कई परीक्षाओं में वे शामिल भी हुए हैं। आज जब 7th जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया कल देर शाम, तो अब जो छात्र हैं वो तो खुश होंगे, जाहिर सी बात जो क्वालिफाई किए हैं 252, लेकिन वो हजारों सैकड़ों छात्र जो सड़कों पर उतरे थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि पीटी में धांधली हुई है, क्रमवार रिजल्ट दे दिया गया है, आप क्या लगता है उन छात्रों की बातों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है? हाँ, ये सच है कि रिजल्ट कल आया, 252 सीट था और जो भी पास किए सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि चलिए प्रशासनिक सेवा मिला, पुलिस सेवा और बाकी जितनी भी सेवाएं थी। लेकिन जेपीएससी जहाँ तक हम देखते हैं 7th से जो 10वीं जेपीएससी का जो ये था इसमें पीटी से ही गड़बड़ियाँ थी। पीटी से ही हम लोग देखे कि वायरल हो गया था क्वेश्चन, सारा चीज़ हम लोगों के पास एविडेंस होने के बाद भी विधानसभा में भी बात उठा लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। वही आप देखे बीपीएससी में 4 घंटे में बीपीएससी का क्या हुआ कि उसको रद्द कर दिया गया पीटी के रिजल्ट को, लेकिन पेपर लीक हुआ उसके बाद लेकिन हम लोग सारा एविडेंस देने के बाद भी यहाँ पे सब चीज का लिपापोती कर दिया गया। और यदि देखते हैं कि 252 सीट, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि जांच यदि सही से किया जाए तो टॉपर का हम बात नहीं करते हैं, टॉप 50, 252 में टॉप 50 जो है वो मानते हैं कि फेयर हुआ है, लेकिन टॉप 50 के अलावा यदि हम 200 सीट बोलें तो 200 सीट निश्चित तौर पर बिका हुआ सीट है ये। मगर यही दिलीप जी, जैसे अभी रविंद्र जी भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जेपीएससी ने धांधली की है, मगर कुछ उसका सबूत अब तो पेश करना होगा। अगर इतना बड़ा आरोप अगर एक संस्था पर लगती है जिसका काम है कि रोजगार देना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं सवाल घेरे में आती है। हाँ, घेरे में आती है। ये तो विधानसभा में भी उठा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसी समय यदि सीबीआई जांच होता तो आज कुछ और परिणाम दिखता। अभी भी यदि सरकार निष्पक्ष है तो अभी भी सीबीआई जांच करवा लें। अभी बोलते हैं कि मतलब 252 सीट है तो 200 सीट कम से कम बिका हुआ होगा, वो सारा चीज दिख जाएगा, कॉपी निकाल करके देख लिया जाए। वो तो मतलब पूरी तरीके से यदि सरकार निष्पक्ष है तो ये तो उनको करवाना चाहिए था पीटी में ही,
जब विधानसभा में सारे लोग उठाए, हम लोग भी दिए उतना एविडेंस, लेकिन कोई ये नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय भी बोले कि नहीं गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से लिपापोती कर दिए। और आज बोलते हैं अब क्या इसका वेलकम होना चाहिए कि नहीं कि सर पीटी रिजल्ट के बाद जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा ली, इंटरव्यू लिया और तय समय के अंदर ही उन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो क्या ये इनिशिएटिव है कि नहीं जेपीएससी का, उन्होंने शॉर्ट पीरियड में रिजल्ट दिया है? शॉर्ट पीरियड में रिजल्ट दिया है इस बात का तो चलिए ठीक है, बहुत कम समय में दिया, लेकिन आप देखिए कि ये इंटरव्यू के बाद जो वक्त लगा 20-25 दिन का, ये 15 दिन में मेंस का, मतलब मेंस का एग्जाम करवा देते हैं, रिजल्ट आता है 15 दिन में ये मेंस का रिजल्ट करवा दिए, लेकिन इंटरव्यू के बाद आप देखिए कितना लंबा समय के बाद ये फाइनल रिजल्ट दिए। इसमें बहुत सारा मतलब अप डाउन हुआ है, किसी को बाहर किया गया, किसी को अंदर किया गया, ऐसे करके ये 20 दिन जो हुआ है, इस 20 दिन में सिर्फ खेला हुआ है। हम ये क्या माने कि जो 6 जेपीएससी में जो लड़के जॉब होल्डर हो गए थे, नौकरियां कर रही थी, फिर यह मामला कोर्ट में गया और उनमें से कई छात्रों को बाहर कर दिया गया नौकरी से, क्या उस तरह के नौबत 7 जेपीएससी भी आ सकती है? 7 जेपीएससी में ऑलरेडी आ चुकी है सर, हमें जहां तक पता है कि जो जितने भी धुरंधर लोग थे मैक्सिमम देखे एक्सपीरियंस लोग का एंट्री नहीं हुआ है। अच्छा। और नए लोगों का एंट्री हुआ है, प्लस जो क्रमवार जो हम लोग का पास हुआ था विद्यार्थी उसको भी तो लिया गया था, बिना ओएमआर सीट का कोई पास हो जा रहा है, इससे बड़ा धांधली शायद प्रशासनिक सेवा में हम नहीं मान सकते। अब जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो युवाओं की सरकार है, उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? वो तो बस बोलने का है, अपना कोई भी हर किसी से शासन सही नहीं चलता है, बस बोलना और करना में बहुत डिफरेंस है, वो तो हर एक स्टूडेंट को पता है, बाकी सरकार कुछ भी बोल सकती है। सरकार क्रेडिट लेने ढंग से काम करती हो, लेकिन सरकार का प्रभाव तो रहता है, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि युवाओं की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते हैं, युवा ये सब नेक्स्ट जब चुनाव आएगा उस समय इनको पता चलेगा कि युवा खुश हैं इनसे कि नाराज हैं पूरी तरीके से। युवाओं को ये गवर्नमेंट किया है, और रिजल्ट की बात बोले तो ये लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ से प्रत्येक बार यहाँ से रिजल्ट होता था 20-25 स्टूडेंट का, कम से कम 20-25 स्टूडेंट यहाँ से बनते थे, प्रशासनिक सेवा में जाते थे, पुलिस सेवा में और बाकी जो भी है। इस बार कोई पोजीशन ही नहीं है, एक आध स्टूडेंट हमको लगता है एक आध कोई दिखता होगा, नहीं तो हमको नहीं लगता है कि इस लाइब्रेरी से स्टूडेंट पास भी किए हैं। क्या माना जाए, बच्चे पढ़ने वाले कम हो गए हैं या वाकई में कुछ धांधली हुई जिसके वजह से रिजल्ट आए? धांधली पूरी तरह से हुई है, हम तो वही बोले कि 200 कम से कम मिनिमम 200 सीट जो है वो बिका हुआ था। टॉप 50 का तो मतलब ये मतलब कोई भी पीसीएस यहाँ पे क्या है कि टॉप 50 को ये लोग ले लेते हैं। अच्छा। और मीडिया में क्या करते हैं कि पेपर में दिखा देते हैं कि ये रिक्शा चालक का बेटा पास कर गया, चाहे कोई भी ये हो गया, तो वो लोग उस ब्रिलियंट होते हैं, नो डाउट कि उन लोगों में क्षमता नहीं, एलिजिबल हैं वो लोग, लेकिन बाकी जो है लगभग 150-200 सीट ये लोग पूरी तरह से बेच चुके हैं, पूरी तरह से बेच दिए हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हैं रविंद्र जी की सीटें बेच दी गई हैं, हालांकि ये पहले भी आरोप लगते रहे, न सिर्फ छठी और सातवीं बल्कि शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं। अब क्या है, अब चूंकि सातवीं से लेकर दसवीं तक की परीक्षाएं हो गई हैं, अब जब नेक्स्ट परीक्षा जेपीएससी लेगा उसमें क्या कुछ सुधार की जरूरत है? सर उसमें तो सुधार की मतलब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो पीटी से ही गड़बड़ी होता है, पहली बात कोर्ट पे जाता है, फिर स्ट्राइक होता है, जब आदमी मतलब सेटिस्फाई नहीं है तो उसको सुनना चाहिए सरकार को कि आखिर क्यों मतलब स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, उसको लेके कुछ सुनी ही नहीं, डायरेक्ट वो अपने तौर पे चलती रही, जो उनको मनमानी लगा वो करते रहे, बाकी जिसको इंट्री करवाना है वो भी अंदर से करवा ही लिए। बाकी हमें भी लगता है कि जो दिलीप भैया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि मतलब 150-200 सीट बिका हुआ है। तो दिलीप जी क्या समाधान है अगर नेक्स्ट टाइम अगर जेपीएससी परीक्षा लेगी, जाहिर सी बात है उनका काम है परीक्षा कंडक्ट कराना, तो इसमें क्या सुधार किया जाए ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन रेज होते हैं जेपीएससी पर वो कम से कम ना हो? सबसे पहले तो निष्पक्ष सरकार, सरकार की सोच और नीयत साफ होनी चाहिए, और जब हम लोग एविडेंस जब दिए थे तो उस समय कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि सरकार पूरी तरह से अपने आँख को बंद कर ली। आपको एग्जाम्पल हम जो दिए बीपीएससी का, बीपीएससी में आज देखिए कि 4 घंटा में वहां पे सब कुछ क्लियर कर दिया गया, 4 घंटे में ही पीटी का एग्जाम को फिर से वहां पे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, और जो इसमें लिप्त थे उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है, चाहे वहां का कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी वहां का दलाल हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ कि इस तरह का, साइलेंट हो गई, पूरी तरह से साइलेंट हो गई ये गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन ही नहीं लिए। एक सवाल दिलीप जी ये भी उठता है, चूंकि आपको पता होगा झारखंड में किस तरह राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ बदल रही है, ईडी है, सीबीआई, आईटी की रेड चल रही है, आपको लगता है कि सरकार इस तमाम चीजों घिरती हुई नजर आ रही है, सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में क्या नौजवानों के इश्यूज को एड्रेस कर पाएगी सरकार? नौजवान तो इतने नाखुश हैं इनसे कि ये तो
अब वक्त ही बताएगा, अब ज्यादा दिन है नहीं, 2-2.5 साल के बाद तो चुनाव आएगा, और चुनाव में बहुत ही आपको ऐसा दिखना मतलब दिखेगा परिणाम कि ये लोग अभी से, ये लोग जान रहे हैं कि युवा नाखुश हैं, ये लोग अपने मतलब कुछ चीजों को जो है वो डिमोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब वो कभी बीजेपी के ऊपर लगा देते हैं कि बीजेपी का ये है, तो कभी अदर पार्टियों के ऊपर, लेकिन ये कभी अपने ऊपर नहीं झांक के देखे कि मैंने क्या किया युवाओं के लिए। युवाओं के लिए पूरी तरह से ये सफल मतलब ये गवर्नमेंट असफल रही, और युवा इतने नाखुश हैं कि इसका परिणाम, दुष्परिणाम इसका दिखेगा आने वाले समय में। सब में आक्रोश है, सब स्टूडेंट में आग की तरह से जो है ना, ये आग निश्चित है कि आज नहीं तो कल फैलेगा। और रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जो अभी जो युवाओं को लेकर जो सरकारें बहुत ज्यादा संजीदा या गंभीर नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जेपीएससी के बाद और कोई वैकेंसी नजर आती नहीं है, अगर जेएससी ने भी निकाला है उसका भी तक कुछ फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है, अब ये क्या माना जाए कि यहाँ के जो युवा हैं वो क्या इस सरकार से या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर इत्तेफाक रखते हैं, लगता है कि उनको यहाँ भविष्य है या कुछ और विकल्प पर विचार करने की जरूरत है? सर, इससे बेस्ट हम कहेंगे कि मतलब इसको ना बिहार स्टेट से, आम तौर पर जिस तरह से बिहार स्टेट में पीटी का रिजल्ट पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया, उसके बाद फिर तुरंत वो रिजेक्ट कर देती है, फिर से कंडक्ट करवाने का प्रयास करती, उस टाइप से कुछ मतलब यहाँ की सरकार को सीखना चाहिए। अब ये जो जिद पे रहती है कि नहीं एग्जाम लेना है, क्लियर कराना है, और हमें दिखाना है कि हम कितने कम समय में मतलब जेपीएससी को क्लियर किए, बस अपना वाहवाही के लिए जो है ना ये स्टूडेंट के साथ खेलना बंद करे। तो आपने सुना, एक तरफ हमारे रविंद्र जी थे तो दूसरी तरफ दिलीप जी थे, तमाम जो ये लोग हैं जो वर्षों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, परेशान हैं कि सरकार जो है वो नौजवानों के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि वर्तमान में सरकार खुद ही घिरती हुई नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है जब आप बुनियादी इश्यूज़ को आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी बीच में जेपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है, लिहाजा बहुत सारे छात्र जो सफल हुए हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन उस हज़ारों सैकड़ों छात्रों के प्रश्नों का, उनके इश्यूज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है जो पीटी परीक्षा, मेंस की परीक्षा, यहाँ की इंटरव्यू की तक को कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेस करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें फेयर तरीके से एग्जामिनेशन नहीं हुए। उम्मीद की जानी चाहिए कम से कम नेक्स्ट परीक्षा में जेपीएससी इन चीज़ों को एड्रेस करेगा और नौजवानों के हित में जो कदम उठाने की ज़रूरत हो वो ना सिर्फ जेपीएससी उठाए बल्कि हेमंत की झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी उठाए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बायस्कोप के लिए शहनवाज।